नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत, आप देख रहे हैं मोबाइल टेक 360। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ओप्पो A53 के बारे में। जी हां, ओप्पो की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च है मार्केट के अंदर। मैं बताऊंगा इस फोन में क्या मिलने वाला है खास और क्या क्या रहने वाली है इसमें कमियां। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंट्रो के बाद वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फोन के अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो काफी प्यारा फोन है, हाथ में पकड़ने में भी काफी अच्छा सा फील हो रहा है, छोटा सा फोन है। उसके अलावा अगर इसकी बैक की बात करूं तो ये आपको प्लास्टिक का है, जिसको आप ग्लास्टिक बोल सकते हो क्योंकि प्लास्टिक को ग्लास की तरह दिखाया गया है। तो प्लास्टिक की बॉडी इसको दी गई है, यहीं पर आपको प्लास्टिक का ही फ्रेम भी देखने को फोन के अंदर मिल जाएगा। डिस्प्ले की अगर बात करूं तो फुल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा फ्रंट की तरफ। 3 कैमरा का सेटअप बैक में है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है फोन के साथ। अगर बॉटम की मैं बात करूं तो आपको टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर के साथ 3.5 mm जैक, स्पीकर ग्रिल्स और माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा। अब फोन की स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो फोन आपको 2 वेरिएंट में मार्केट में अवेलेबल रहेंगे, जिसमें 4 GB का रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और 6 GB का रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज को देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की अगर मैं फुल बात करूँ तो आपको 6.5 inches का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसका रेजोल्यूशन रहेगा 720x1600 पिक्सल और PPI वैल्यू रहेगी 270 PPI। एक्सपेक्ट रेशो की अगर मैं बात करूँ तो आपको 20:9 का एक्सपेक्ट रेशो फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। फ़ोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है फ़ोन में आपको। उसके अलावा 90Hz का इसका रिफ्रेश रेट रहेगा, यानी कि डिस्प्ले काफ़ी फास्ट रहेगा फ़ोन का। उसके बाद बात करते हैं एंड्रॉयड वर्जन की, तो आपको एंड्रॉयड वर्जन 10 देखने को मिल जाएगा, जो कलर OS 7.2 पर रहेगा। उसके बाद आपको 1.8 GHz का स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर 11 nm टेक्नोलॉजी पे देखने को मिल जाएगा। गेमिंग के लिए फ़ोन के अंदर आपको GPU Adreno 610 देखने को मिल जाएगा फ़ोन के अंदर। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके अंदर सिम कार्ड की, तो आप डुअल सिम विद माइक्रो SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन आपको रहेगा। अब अगर फोन के अंदर कैमरा की मैं बात करूँ तो आपको फ्रंट में 16 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसकी अपर्चर वैल्यू 2.0 रहेगी। बैक में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें 13 MP का कैमरा, 2 MP और 2 MP के 3 कैमरे देखने को मिल जाएंगे। जो 13 MP का कैमरा है वो आपका मेन कैमरा प्लस वाइड एंगल का काम करेगा। जो डुअल कैमरा आपको दिया गया फ़ोन के अंदर, उसमें आपको 2 MP का कैमरा आपको डेप्थ सेंसर के लिए है, और उसके अलावा जो 2 MP का थर्ड कैमरा है वो आपको माइक्रोशॉट दे देगा फ़ोन के अंदर। वीडियो क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो आप इसमें 1080p पे वीडियो बना सकते हैं, जो 30 FPS के हिसाब से बनेगी 30 FPS पे। बैटरी फ़ोन के अंदर 5000mAh की दी गई है, उसके साथ साथ आपको 18W फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही अवेलेबल रहेगा। तो ये फ़ोन मार्केट में आपको 3 कलर में अवेलेबल रहेगा, जिसमें फेरी वाइट, इलेक्ट्रिक ब्लैक और फैंसी ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा। तीनों ही फ़ोन जल्दी ही लॉन्च हो जाएंगे मार्केट में, जल्दी ही आपके पास भी पहुंच जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कैसा रहेगा ये फ़ोन, क्या आप इस फ़ोन को ख़रीदना पसंद करेंगे। फ़ोन में काफ़ी जगह पर प्राइस कटिंग भी की गई है, लेकिन वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं इसका लाइव डेमो का आपको वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और आपको दिखाऊंगा फ़ोन चला के भी देखेंगे कैसा है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं रंजीत ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।